alive, living in us. और आज वो हम में जीवित हैं, आज वो जीवित हैं. To do miracles in our lives. कि हमारे जीवन में चमत्कार कर सके. Yes, my friends, even today, God will fulfill everything that is He has promised in your life. हाँ, मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए जो भी प्रतिज्ञा की है, वो उसे जरूर पूरा करेंगे. Because Jesus has come down as our Savior. क्योंकि यीशु मसीह हमारे उद्धारक के रूप में नीचे आए हैं. This Christmas, He will do it for you. इस क्रिसमस को ये आपके लिए जरूर करेंगे. Christmas is miracles. Christmas तो चमत्कार है. In our soul, mind, body, life, family, everything. हमारे आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन और परिवार में हर जगह पर. We're going to pray that God will do a miracle for you, that you will enjoy the Christ child and also Christmas through His miracles. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप मालक यीशु और साथ साथ में उसके मसीह यीशु के उसके आशीषों का आप अनुभव करें, उसके चमत्कारों का अनुभव करें. And now we are going to listen to two wonderful miracles which our partners in the Jesus Calls ministry received. और जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के दो पार्टनर्स जिन्होंने अपने जीवन में सच्चे चमत्कारों को प्राप्त किया है, उन्हें सुनते हैं. इवन रिजरेक्शन पावर, और यहां तक कि वो तो पुनरुत्थान की सामर्थ है. देन वी विल कम बैक टू प्रे फॉर यू. और फिर हम वापस आकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे. यस माय फ्रेंड, क्राइस्ट केम फॉर अस टू एक्सपीरियंस मिरेकल्स. हाँ मेरे दोस्तों, मसीह यीशु इसीलिए आए कि हम चमत्कारों का अनुभव करते जाएं. Our program right now, we have a wonderful family to share about their miracle which they received. आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ में एक बहुत ही अद्भुत परिवार आया जो अपने चमत्कार के बारे में हमें बताना चाहते हैं. Wonderful to have you in the program. What's your name, brother? भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा राम. Good. Your sister? मेरा नाम पराग कुजूर है. And who is this little one? ये छोटी बच्ची कौन है? क्या नाम है? आश्मी एंजेलिंडा. ओह गुड, लिटिल एंजेल. छोटी एंजेल. वंडरफुल. व्हाट डिड गॉड डू फॉर यू ब्रदर? भाई परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है? परमेश्वर ने मेरे लिए पूरे जीवन में अभी तक काफी चमत्कार किए हैं जो मैं दिल से अनुभव किया हूं. जैसे कि मैं बचपन से जब पहली क्लास में एडमिशन के लिए मैं एक दो स्कूल में भटक रहा था और मैं लेट रेवरेंड शांति प्रकाश कश्यप का स्कूल में मैं वहाँ पहुँच गया और उसने मुझे रखा और वहाँ से यीशु मसीह की जानकारी मिली. फिर पढ़ाई स्टार्ट हुई और उस समय मुझे इतना विश्वास हुआ कि जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी वहीं से मुझे जानकारी मिली जीसस कॉल्स का. फिर वहाँ से मैं प्रेयर करता था और उसकी वजह से मुझे काफ़ी सफलताएं मिली और मैं जितनी मेहनत से पढ़नी चाहिए मुझे लगता है कि उतनी मेहनत से मैं नहीं पढ़ पाता था, पर विश्वास इतना होता था कि मैं कभी एग्ज़ाम में कभी कम मार्क्स नहीं आया मेरा, अच्छे मार्क्स से पास किया. और जब भी कुछ प्रॉब्लम आने से मैं जीसस कॉल्स में फ़ोन करता था. मैं कभी आया नहीं था, न देखा था यहाँ, और मुझे सफलता मिलती गई. मैं पहली बार यहाँ पर 2001 में यहाँ किसी ट्रीटमेंट पर्पस में आया था. उस समय उसमें कुछ मुझे पता नहीं था, फिर नंबर था यहाँ का, फिर मैं एड्रेस देखते हुए यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर प्रेयर के लिए बैठा, प्रेयर कर दिए लोग. 2005 में मैं एग्ज़ाम के लिए आया आफ्टर ग्रेजुएशन. उस समय मैं भी प्रेयर के लिए यहाँ पर आया था और एग्ज़ाम लिखा. और हम आए थे गांव से, विलेज से, हम 12 आदमी, उसमें से दो सेलेक्ट हुए जिसमें से एक हम. और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब भी कुछ इस तरह का कुछ प्रोग्राम हुआ है मैं जीसस कॉल्स में फ़ोन किया. आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं 9th क्लास में था उस समय में और जब 10th क्लास में एग्ज़ाम के लिए उसमें 22 रुपीज़ लगते थे फैक्स, यहाँ का फैक्स नंबर मैं फैक्स करता था और वो रिप्लाई लेटर आज भी मेरे पास है. प्रॉपर रिप्लाई होती थी कि आपका जो प्रॉब्लम है उसके लिए प्रेयर किया जाएगा. नतीजा ये है कि अभी तक मैं सभी एग्ज़ाम में प्रॉपर पास करते हुए आया और मुझे जॉब भी लगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लगी. और उससे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था तो निचला दर्जा होने की वजह से मुझे पसंद नहीं आया. रेलवेज़ में मेरी सिलेक्शन हुई तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई कंप्लीट करके दोबारा से मैं ट्राई करूंगा, पर घर का
स्थिति अनुसार वहाँ के एडवाइस किए कि अभी तुम जॉब ज्वाइन कर लो, फिर बाद में करियर के लिए तुम सोच सकते हो। फिर मैंने वही किया, पर निचला दर्जा मुझे अंदर अंदर घुटन लगता था कि मुझे और कुछ करना चाहिए था बेहतर। फिर मैं यहाँ पर से जुड़े रहा, जब भी टाइम मिलने से मैं प्रेयर में बैठता था और प्रेयर रिक्वेस्ट करता था। और आज मैं लगातार प्रमोट होते हुए भी मैं जो मेरा इच्छा था करियर स्टार्ट करने के समय में, उस लेवल में मैं अभी एक जूनियर इंजीनियर के रूप में सेलेक्ट हो गया। और इसमें मेरे कंपटीटर लोग, जितने लोग तैयारी कर रहे थे, वो लोग 3 ईयर्स से कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे थे। और मेरा जो जॉब है, फील्ड जॉब होने की वजह से मैं हार्ड वर्क नहीं कर पाता था जितना कि बाकी लोग भी कर रहे थे। पर मुझे विश्वास था यीशु मसीह पर, यहाँ के प्रेयर वॉरियर पर, जो वे सब के लिए प्रेयर करते हैं जो उनके लिए रिक्वेस्ट देते हैं हम। सो मैं, मुझे ये याद ये है कि मैंने 1 वीक ही केवल पढ़ाई किया, लेकिन बहुत ज़ोर से और विश्वास से। और मैं प्रेयर के द्वारा मैंने एग्ज़ाम दिया और सेलेक्ट हुआ। और इसके लिए मैं जीसस कॉल्स को धन्यवाद देता हूँ, और बाकी जो इसके लिए प्रेयर किए उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और अभी मैं लास्ट 12 मई 2022 से मैं जैसा मुझे चाहिए था, जो मेरा करियर का स्टार्टिंग इच्छा था, वहाँ तक पहुँच गया। तो इसके लिए मैं यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देता हूँ। Wonderful, wonderful. The Lord is a miracle worker. परमेश्वर तो चमत्कार करने वाले हैं। He came to show us His miracle working power because of His love for us. वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए अपने चमत्कार की सामर्थ्य वो दिखाने के लिए आए हैं। That's the blessing of Christmas for you. और यही तो आपके लिए क्रिसमस की आशीष है। He will create a job for you and He will place you in high places. वो आपके लिए नौकरी बनाएंगे और आपको ऊंचे स्थान पर रखेंगे। Let not your heart be troubled. आपका मन, आपका हृदय व्याकुल ना हो। What a wonderful blessing God has given, dear brother. Yes, my friends, expect the same for you. परमेश्वर ने हमारे भाई को बहुत ही अद्भुत आशीष दी है। आप भी इसी तरह से अपेक्षा करें कि परमेश्वर वो आशीष आपको भी दें। God is going to give you an increase in your career. परमेश्वर आपको बढ़ाते चले जाएंगे। Bless you with a wonderful job. आपको अच्छी अद्भुत नौकरी देकर आशीषित करेंगे। Let's keep on receiving Jesus. That's all we need. आइए हम बस